नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। साउथ सिनेमाई दुनिया में बीते हफ्ते कई खबरों ने सुर्खियां बनाई। बीते हफ्ते जहां साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 में अजय देवगन की एंट्री की खबरों को लेकर काफी बज रहा, वहीं अदाकारा जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इधर कांतारा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए निर्देशक और एक्टर ऋषभ शेट्टी पूरे 100 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज करने वाले हैं। तो चलिए इन सारी खबरों पर विस्तार से एक नजर डालते हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में अजय देवगन की एंट्री। बीते हफ्ते काफी बज रहा है कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 में बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की एंट्री हो सकती है। खबर है कि इस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन एक कैमियो का किरदार निभा सकते हैं, हालांकि अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। कांतारा 2 के लिए ऋषभ शेट्टी ने वसूले 100 करोड़। जी हां, कन्नड़ फिल्म स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा को लेकर काफी बज रहा। रिपोर्ट्स की माने तो कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी कांतारा 2 के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए फीस वसूलने वाले हैं। शुरू हुई जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म। बॉलीवुड फिल्म स्टार जानवी कपूर ने साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर स्टारर अपनी अगली फिल्म की मुहूर्त पूजा में हिस्सा लिया। इस फिल्म की शूटिंग अब जल्द ही शुरू होने वाली है। वायरल हुआ यश का एड, साथ ही बीते दिनों कन्नड़ सुपरस्टार यश के एक नए एड का वीडियो जारी हुआ है जिसने खूब चर्चा बटोरी है। इस वीडियो में यश का अंदाज देख लोग उनकी अगली फिल्म को लेकर कयास लगाने लगे थे और साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे। मालविका मोहनन ने मारी पवन कल्याण की फिल्म को लात। इधर अदाकारा मालविका मोहनन की ओर से पवन कल्याण की फिल्म को ठुकराने की बात सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है, जिस पर खुद अदाकारा ने रिएक्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने ये फिल्म नहीं ठुकराई है, बल्कि उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया था। आप भी इस पूरे वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही न्यूज नेशन और NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर।